हूँ गजेंद्र सिंह उदय सिंह परमार। हूँ राघव भाई सिंह मकवाणा। हूँ विनोद अमर सिंह मोरड़िया। हूँ देवाभाई पूंजाभाई मालम। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के कायदाथी स्थापित भारत न संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। हूँ भारत न सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश अने हूँ गुजरात राज्यना राज्य कक्षाना मंत्री तरीके ना मारा कर्तव्यो श्रद्धा पूर्वक अने अंतःकरण पूर्वक बजावीश अने भय के पक्षपात अने भय के राग के द्वेष विना राग के द्वेष विना तमाम लोगों साथे संविधान अने कायदा अनुसार संविधान अने कायदा अनुसार न्याय पूर्वक वर्तीश न्याय पूर्वक वर्तीश। हूँ गजेंद्र सिंह उदय सिंह परमार। हूँ राघव भाई सिंह मकवाणा। हूँ विनोद अमर सिंह मोरड़िया। हूँ देवाभाई पूंजाभाई मालम। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के हूँ गुजरात राज्यना राज्य कक्षाना मंत्री तरीके जे कोई बाबत मारी विचारणा माटे लाभ बामा आवशे अथवा मारा जाणवामा आवशे तेनी जान एवा राज्य कक्षाना मंत्री तरीके ना मारा कर्तव्योना योग्य पालन माटे आवश्यक होय ते सिवाय प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते कोई पण व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने करीश नहीं अथवा तेनी के तेमनी आगड तेने प्रकट करीश नहीं धन्यवाद। तरह से कुल 24 चेहरों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि कुल 24 चेहरे पांच पांच करके पहले बुलाए गए और उसके बाद चार लोगों को बुलाया गया, जिसमें भाई परमार, राघव भाई मकवाना, विनु भाई मोरडिया जो कि 10वीं तक की पढ़ाई की है, किसान परिवार से आते हैं, 43 साल उनकी उम्र है। आरसी मकवाना 36 साल की उम्र में ही एमएलए बन गए थे, महुआ सीट से वो विधायक हैं। और देवा भाई मालम को इस तरह से कुल 24 चेहरों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है, यानी कि इसके बाद अब किसी चेहरे को गोपनीयता पद की शपथ नहीं दिलाई जाएगी। जिस तरह की तस्वीर अभी बनकर निकली है आप इस वक्त देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पूर्व मुख्यमंत्री को देखा आपने, यकीनन उनके सामने अब चुनौती बड़ी है क्योंकि बहुत सारे नाराज चेहरे पहुंचे हुए थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक एक करके तमाम लोग, चाहे भाई परमार हो, राघव मकवाना हो, आरसी मकवाना, महुआ सीट से वो विधायक हैं, विनु भाई मोरडिया, देवा भाई आलम। मैं सीधे आपका रुख करते हुए सुधीर रावल जी मैं आपके पास आऊंगी, गोपी अब आपका रुख करते हुए, चूंकि पांच पांच लोगों को चार बार में शपथ दिलाते हुए कुल आंकड़ा पहुंचा था 20 का और अभी एक साथ चार लोगों को शपथ दिलाई गई, इस तरह से कुल 24 विधायक पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई दिए और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है गोपी कि अब ये कार्यक्रम यहाँ का संपन्न हो जाएगा। गोपी बिल्कुल चित्रा आपको बता दूं अब तक 24 लोगों ने गोपनीयता की शपथ ली है, साथ ही यहाँ पे नीमा बेन आचार्य को भी मंच पर बिठाया गया है। नीमा आचार्य को मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगी कि वो नीमा आचार्य की तस्वीर दिखाए। नीमा आचार्य को फिलहाल गवर्नर के पास बिठाया गया है, यानी उनको अध्यक्ष पद की जो शपथ ग्रहण है वो भी जो होती है वो गवर्नर दिलवाते हैं, तो नीमा आचार्य को भी अध्यक्ष के तौर पर बतौर चुना गया है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा
कि जो नई सरकार बनी है, क्योंकि सारे नए चेहरे हैं, हालांकि इसमें अनुभव और नएपन ये दोनों का लिया गया है, टेक्नोलॉजी को भी, जो पुराने लोग हैं इसमें, अगर हम बात करें जीतू वाघानी जो कि 6 साल तक गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे, संगठन को बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं, अब सरकार में उनकी भूमिका आई है। साथ ही राजेंद्र त्रिवेदी का जो चेहरा है वो भी काफी जाना माना गुजरात का चेहरा है, काफी अनुभव वाले व्यक्ति कहे जाते हैं, लॉयर है। इसके अलावा बात की जाए कि ऋषिकेश पटेल, देखिए यहाँ पे